अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। विरक्त तो महात्मा भी गृहस्थाश्रमियों के द्वार पर जाते हैं भिक्षा के लिए। सद गृहस्थों के घर से यतियों को भिक्षा का विधान शास्त्र ने किया है। पर आप शरीर पर तो कपड़ा नहीं पहनते, दिगंबर हैं, और खाने पीने के नाम पर कुछ भी ग्रहण नहीं करते, ना अन्न लेते ना जल लेते हैं, केवल वायु का आहार करके आप रहते हैं। तो अन्न वस्त्र जल इसकी भी आवश्यकता नहीं, तो आप गृहस्थ के द्वार पर क्यों जाएंगे? कुछ लेना है नहीं, कोई स्वार्थ है नहीं, आप क्यों जाएंगे? आप किसी गृहस्थ के द्वार पर नहीं जाते, भिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, किसी भाग्यशाली के यहां आप जरूर पहुंचते हैं। किसके यहां पहुंचते हैं? जो प्रेम से गौ सेवा करता है उसके द्वार पर आप पहुंच जाते हैं। किसी गृहस्थ व्यक्ति के द्वार पर सुंदर वेद लक्षणा पैश्विनी प्रसन्न स्वस्थ गाय देखते हैं तो आप प्रसन्न होकर गायों से आकृष्ट होकर वहां चले जाते हैं। और यदि उसने आपको पहचान लिया और प्रणाम किया कि महाराज, सुखदेव जी महाराज, हमारे सौभाग्य से आप पधारे हैं, तो यहां तो आप खाली नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ आपको भिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, तो आप धरती का दूसरा कोई पदार्थ तो नहीं लेते, पर गाय का धारोष्ण दुग्ध ले लेते हैं। धारोष्ण जानते ना, ताजा कढ़ा हुआ दूध। तो उतनी देर तक आप उस गृहस्थ के द्वार पर बैठते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाए। दुहने में भले ही समय लगे, दूध पीने में समय नहीं लगता। समय लगता है, गट गट पी गए, बस थोड़ा दूध लिया नहीं और पिया नहीं कि आप यहां से चल पड़े। इससे अधिक आप ठहरते नहीं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि भले ही किसी गृहस्थ के प्रेमाग्रह को स्वीकार करके आप उतनी ही देर तक ठहरते हो जितनी देर में एक गाय दुही जाए, किंतु मुझे विश्वास है मेरे ऊपर अतिशय कृपा करुणा करके आप तब तक विराजेंगे और अपने वचनामृत का दान हमें करेंगे जब तक कि हमारी अंतिम श्वास नहीं आ जाती। और यह प्रमाण है, सुखदेव जी महाराज अपने संपूर्ण जीवन में 7 दिन केवल कहीं बैठे एक जगह पर, तो केवल परीक्षित के ऊपर अनुग्रह करके विराजमान है।